उत्तर प्रदेश राज्य के सिविल पेंशनर की मासिक बैठक में विश्व पेंशन दिवस 18 मार्च 2017 में एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता ए नकवी ने सदस्यों को बताया कि विश्व पेंशन दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में श्री राकेश कुमार सिंह ने सहमति प्रदान की, जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में मुख्य चिकित्सा अधिकारी श्रीमती ज्योत्ना पंत उपस्थित रहीं। इस वर्ष समाज सेवा में क्षेत्र में डॉक्टर विशेष गुप्ता प्रधानाचार्य एमएस डिग्री कॉलेज मुरादाबाद व श्री रामचंद्र शर्मा को सम्मानित किया गया। बैठक में ऐसी भी मांगों का पुनः अनुरोध किया गया कि 2016 के पूर्व की पेंशनरों के पेंशन निर्धारण करने के उपरांत अपर निदेशक कोषागार कार्यालय में भेजने के लिए पूरे जोर के साथ अपील की गई, जबकि इस संबंध में परिपत्र विभागों को जारी किया। बैठक की अध्यक्षता ए नकवी ने की एवं संचालन राम दत्ता द्विवेदी ने। बैठक में मोहन मेहरोत्रा, सुरेश भटनागर आदि लोग भी उपस्थित रहे। मालूम है नवंबर की पहली जो बैठक होती है उसमें हम लाइव सर्टिफिकेट भिजवाते हैं अपने खेत का विषय है। इस हफ्ते में एक साथ फ्राइडे को मुझे मिले जी। आपका नाम? मुझे नकुल कहते हैं, मैं सिविल पेंशन परिषद का अध्यक्ष हूँ। आज की बैठक जो है, वैसे तो बैठक हम हर माह करते हैं द्वितीय सोमवार के दिन। आज की बैठक का उद्देश्य जो है 18 दिसंबर को विश्व पेंशन दिवस के सिलसिले में हम एक प्रोग्राम करेंगे, जिसमें हम वरिष्ठ पेंशनर्स को सम्मानित करेंगे। इस अवसर के ऊपर जिलाधिकारी महोदय हमारे मुख्य अतिथि होंगे और विशिष्ट अतिथि के रूप में डॉक्टर ज्योत्सना पांडे मुख्य चिकित्सा अधीक्षक रहेंगी। इस दरमियान हम दो समाज सेवियों को भी सम्मानित करेंगे, जिनमें डॉक्टर विशेष गुप्ता प्रिंसिपल एमएस डिग्री कॉलेज और डॉक्टर शिक्षक हैं एक साथ, उनको भी सम्मानित करेंगे। इसके अलावा 12 वरिष्ठ पेंशनर्स को भी उनकी एज के बमोजिब हम सम्मानित करेंगे। इस प्रोग्राम में हम तमाम लोगों का जो हमारे सदस्य हैं उनका सहयोग रहता है। तत्पश्चात तमाम जो उपस्थित मेहमान होते हैं हम उनका भी सम्मान करते हैं। इस तरह से करीब करीब हर साल, हमें यह 5वां साल हो रहा है ये प्रोग्राम करते हुए। हम आपके चैनल से आशा करते हैं ज़िले के जितने भी पेंशनर्स हैं परिषद से जुड़ें, ताकि उनकी जो समस्याओं का निदान हो सकता है परिषद के द्वारा किया जा सकता है। पब्लिक टीवी, आपकी आवाज़।